वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग के एस फैमिली व्लॉग्स। तो यहाँ पे जो है मम्मी मेरे बाल बना रही है और आज जो है मेरे स्कूल में न्यू ईयर का फंक्शन है और मैंने पहने अपना ये वाला गाउन। आपको पता ही होगा ये मैंने कब पहना था, है ना? अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना मम्मी? हाँ, तो दोस्तों सर्दी जो है ना काफ़ी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो यहाँ पर शहरी को जो है ना मैंने अच्छे से स्वेटर पहना दिया और उसके ऊपर जो है मैंने इसको पहना दिया है गाउन इसका। और बच्चों की जो है ना छुट्टियां बस पड़ने वाली है और आज शहरी को जो है स्कूल जाना है और उसके बाद जो है बच्चों की पड़ जाएंगी छुट्टियां। और सर्दी बहुत ज़्यादा है तो अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए जी, अपना भी ध्यान रखिए जी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और हमारी दिल्ली में तो जो है बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है शहरी। और अभी भी जो है ना बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है, काफ़ी ठंड है। तो चलिए जी चलते हैं, इसको स्कूल छोड़ कर आ जाते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। और अभी शहरी को दिखाती हूँ आपको कि शहरी कैसी लग रही है। और मैं लेके जा रही हूँ स्कूल में जो मैंने राधा कृष्ण की पेंटिंग बनाई थी, ये मैंने बिना कहीं से देखे बनाई थी और ये मैं लेके जाऊंगी, मैं अपनी प्रिंसिपल मैम को दूंगी, है ना? तो अब जो है ना शहरी आज स्कूल जा रही है और कल संडे है, आज है सैटरडे और मंडे से जो है बच्चों की छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं भाई शहरी। और बच्चों के आ जाएंगे मजे क्योंकि जी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना भाई शहरी। मैं इधर अपना नाम भी लिख दिया, आंचल। आंचल ठीक है, इधर इधर भी लिख दिया आंचल। अच्छा बड़ी बड़ी मम्मी मम्मी को भी दिखाओगे, दिखा कर आ जाओ। मम्मी ये तो जी शहरी जो है यहाँ पर तैयार हो चुकी है और बस अब जो है ना इसको स्कूल छोड़कर आ रही हूँ मैं और 2 बजे छुट्टी हो जाएगी ना। हाँ, 2 बजे। और आपको मौसम दिखाती हूँ, मौसम जो है काफी ठंडा हो रहा है और धुंध भी है और हवा भी है शहरी। आपको कैप दे दूं? मम्मी नहीं, मेरे मेरे को तो साइन है पर उसकी भी 2 रुपए ना, इसको मेरे को घुटन हो रही है। अच्छा जी, अच्छा। बहुत ठंड है बाहर। तो जी एक इसको पानी की बोतल दे दी है और यहाँ पर जो है ना ये राधा कृष्णा जो इसने बनाए थे ना वो लेकर जा रही है अपने स्कूल में। प्रिंसिपल मैम को दोगे? ठीक है। ये अभी जो है ना दोपहर के 2 बजने में जो है 5 मिनट है, मम्मी भी जो है ना लंच करके लेट गई है और मम्मी तो टोपा वोपा लगा के लेटी हुई है। स्कूटी पे मैं इसलिए जाती हूँ, स्कूटी पे यहाँ से बैठूंगी ना तो उसके घर ही उतर जाऊंगी। अच्छा, गाड़ी और ऑटो उतारेगा बाहर, चला जाना चाहता। तो मम्मी को जो है आज दीदी के यहाँ पर भी जाना था लेकिन ठंड देख के जो है ना मम्मी जो है थोड़ा सा आलस कर गई है। और मैं भी जो है शहरी को लेने के लिए जा रही हूँ क्योंकि 2 बजे जो है शहरी की छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तो शहरी स्कूल से आ चुकी है और शहरी को क्या मिला है स्कूल से, खोल के देख रही है कि क्या मिला है। क्या कर रहा है स्कूल में? मम्मी पूछ रही है क्या कर रहा है स्कूल में। बहुत कुछ करा। बहुत कुछ करा। खाने को क्या मिला? ये रहा खाने का। लेकर आई है। खा लो। शहरी को स्कूल से बर्गर मिला है और क्या मिला है भाई? फ्रेंच फ्राई मिला है, पिज्जा मिला है। और पिज्जा तो कल शहरी ने खाया ही है शहरी? Yes. टेस्टी है? Yes. रोटी से अच्छा पिज्जा होता ना? हाँ. है ना? हाँ, चलो खा लो और ये ड्रेस चेंज करो, कपड़े गंदे हो जाएंगे नहीं तो। ठीक है। तो जी अभी जो है रात के 8 बज चुके हैं और यहाँ पर है ना आरव भी आ गया है और शहरी जो है काफी देर से इसको खिला रही है। तो फिर जो है शहरी ने इसके लिए जो है ना टीवी में गाने लगा दिए हैं और इसको डांस करके दिखा रही है और बच्चे जो है ऐसे ही खुश होते हैं। तो ये टीवी भी देख रहा है और शहरी का डांस भी देख रहा है।
हेलो कर लो, हेलो हेलो कर लो, हेलो कर लो, फोन कर लो, आरव फोन कर लो। देखो टीवी की आवाज बंद कर दिया ना, इसलिए कह रहा है आवाज तेज करने के लिए। क्या हुआ? लामा फोन दिखाओ। क्या हुआ? टीवी की आवाज तेज करनी है आरव, टीवी की आवाज तेज करनी है, तेज कर दे, कर दे, कर दे। आरव पापा का है, पापा पापा का है, कौन है पापा? घर पे। और अभी जो है लड़ाई कर रहा है सपना चौधरी के गानों के। अरे 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 सुन, इधर कान दिखा अपना, कान दिखा दे। बोबो का है, बोबो, बोबो का है, बोबो। बाय बाय बाय, सबको बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय जय कर दो। दो मिनट आएगा अरे मेरी गोद में, चलो फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस कर, फ्लाइंग किस। और मैं किस कर दे, चलो मेरे कर, मेरे 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 किसी कर, अरे मेरे तो कर दे भाई मेरे को। जी रात के 10 बज रहे हैं और अभी जो है बच्चों ने डिनर नहीं करा है और आज जो है ना इनको भूख नहीं लग रही है अभी तक। और शायरी की ड्राइंग देखिए जी, शायरी जो है ड्राइंग बना रही है और जो इसने राधा कृष्ण जी की बनाई थी वो स्कूल में देकर आ गई मैम को। और इसको जो पानी चाहिए यहाँ से, ये डायरेक्ट पानी यहीं से ले लेके कर रही है। कप में पानी ले लो और एक जगह बैठ जाओ, आ जा जल्दी, आ पर्दे डाल दो। तो जी यहाँ पर जो है ना हॉल में हवा आती है तो ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है पर्दे लगा रखे हैं। आ जा शेरी, आ जा। मैंने कैसी लेडी बनाई है, ऐसी। तो जी अभी जो है ना रात के बज चुके हैं 11 और मम्मी भी जो है लेट चुकी है और बच्चे जो है अभी लेटे नहीं है और शायरी को जो है ना अभी नींद नहीं आ रही है। शायरी ने जो है अपनी डायरी दिखाई है मुझे और ये कह रही है कि मम्मी अब मेरी जो है ना छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं। भाई शायरी कब तक की छुट्टी पड़ गई है आपकी? 7 दिन की। तो शायरी की जो है ना 7 तारीख तक जो है शायरी की अभी छुट्टियाँ पड़ गई हैं और कल है संडे, और कल संडे है तो शायरी जो है अपने पापा से करेगी डोसे की डिमांड, लेकिन वो डिमांड जो है ना पूरी नहीं होगी, इसलिए पूरी नहीं होगी कि हर संडे को डोसा नहीं मिलेगा क्योंकि एक बार का डोसा हेल्दी होता है। मैंने आपको एक और वीडियो बताया था पराग, और हमारे नए सब्सक्राइबर तो मैं बता देती हूँ, डोसा किसका होता है? दाल चावल का, तो हम दाल चावल ही तो खा रहे हैं। सांभर में क्या होता है? आलू होता है, आलू है सेहत के लिए। सांभर में आलू कब होता है? सांभर में होता है आलू कब होता है? डोसे में आलू होता है। हाँ डोसे में, हाँ आलू अच्छा होता है। और जो हमारे नारियल की चटनी होती है वो नारियल होता है हमारे शरीर के लिए हेल्दी, तो पूरा डोसा ही तो हेल्दी हो गया। आप बताओ, है ना? मैंने पापा से बोल दिया, पापा ने उनको संडे को डोसा खाना, तो पापा ने बोले ओके। तो जी इसकी हर संडे को ना यही फरमाइश होती है डोसा खाने की, और बस अब जो है बच्चों को लिटाती हूँ और कल है संडे, इनकी भी छुट्टी है कल, है भाई शायरी? और ये रियल भी तो है। हाँ वो तो, हाँ हाँ। तो जी घूमने तो कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि कल जो है एक छुट्टी होती है इनकी, इसलिए जो है इनको घूमने के लिए नहीं लेकर जाएंगे, बाकी के कल जो ज़रूरी काम है ना वो करेंगे। और मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ, छत पे चूल्हा बनाने की भी सोच रही हूँ, जब साग बनाते हैं ना तो चूल्हे पे जो है काफ़ी अच्छा बनता है, तो कुछ सब्जी ऐसी होती है जो चूल्हे पे बनाते तो काफ़ी स्वाद बनती हैं, तो चूल्हा भी बनाने की सोच रही हूँ, तो देखते हैं कल देखेंगे अगर चूल्हा बनाएंगे तो। और छत के लिए जो है ना थोड़े से पेड़ पौधे भी लाने की सोच रहे हैं। शेरी क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ ठंड में, इधर आ जाओ। तो दोस्तों अपनी वीडियो जो है ना यहीं पर कर देती हूँ एंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और जो चैनल पर बहुत ज़्यादा फैला दीजिए, आपकी सपोर्ट से। तो दोस्तों मिलते हैं एक और अच्छे से ब्लॉग में।